हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता अमेजिंग वीडियो। सो गाइस, आज मैं आपको ब्लीच करना सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो मेरे पास ये है ओजोन की इंस्टेंट ब्लीच है, ग्लो ब्लीच है, ये भी हम करके दिखाएंगे। आज हमारे पास एक कस्टमर है, सो गाइस हम उस पर आपको आज करके दिखाएंगे। मैंने मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने सेल्फ ब्लीच की है, बट इस बारी मैं एक कस्टमर पे ब्लीच अप्लाई करके दिखाऊंगी कि कैसे हमें ब्लीच करनी चाहिए किसी की। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, मैंने ये ओजोन की इंस्टेंट ग्लो ब्लीच ले ली है। ये मेरे पास क्रीम है, इसमें मैं एक्टिवेटर डालूंगी। ये सिर्फ मैंने 2 स्पून ब्लीच ली हुई है, इसके अंदर मैं 2 पिंच एक्टिवेटर के बाद इसमें मैं गुलाब जल डालूंगी, ओनली 2-3 ड्रॉप्स। दैट्स इट गाइस, इसको मैं मिक्स कर लूंगी अच्छे से फिंगर की हेल्प से। उसके बाद मैंने ये कॉटन ली है, ये हमारी मिक्स हो चुकी है, ये हमने कॉटन ली है, इसको मैं अच्छे से डिप कर लूंगी पानी के अंदर। ये मैं डिप करके इसके बाद कस्टमर का फेस क्लीन करेंगे सबसे पहले। सो गाइस, ये हमारे कस्टमर है, इनका हम पहले फेस सारे नीट करेंगे। अगर कोई मेकअप लगा हो या ना भी हो तो हमें सबसे पहले सारा फेस अच्छे से नीट करना है ब्लीच करने से पहले। सारा नेक भी कर लेंगे हम क्लीन। हमारे कई क्लाइंट्स होते हैं, वो कहते हैं हमने बैक भी क्लीन करवा के ब्लीच करनी है, तो आप बिठा के बैक भी क्लीन करने के बाद ही ब्लीच अप्लाई करें। सो गाइस, ये हमारी ब्लीच रेडी है, मिक्स हुई हुई है। इसको मैं विद द हेल्प ऑफ फिंगर अप्लाई करके दिखाऊंगी। हमें यहाँ से अपवर्ड्स की ओर लगानी है ब्लीच। आप ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं गाइस, ऐसी चिन पे लगा लेंगे। और इधर भी अपवर्ड्स की ओर लगाएंगे। ये हेयर पे ना लगे ये ध्यान दीजिए। आईज से बचाते हुए ऐसे फोरहेड पे भी लगाएंगे, बट हेयर पे ना लगे। सो गाइस, ध्यान से इस तरफ से बिल्कुल आईब्रो पे भी अप्लाई ना हुए। इसी तरह हम ईयर्स पे भी अप्लाई कर देंगे सारे। नेक पे भी अप्लाई कर लेंगे, अपवर्ड्स की ओर हम अप्लाई करेंगे। इसको 15 मिनट्स ऐसे ही रहने देंगे। सो गाइस, ब्लीच अप्लाई हो चुकी है। मैंने कॉटन लेके इस पे गुलाब जल अप्लाई कर लिया है, और इसको मैं आईज पे सेट करूंगी इनके, जिससे इनको आइस पे भी रिलीफ मिले। ऐसी दूसरी साइड पे गुलाब जल अप्लाई करके अच्छे से आइस पे सेट कर देंगे ये भी। इसको हम 15 मिनट्स अब ऐसे ही रहने देंगे ब्लीच को। सो गाइस, हमें 10 मिनट्स हो गया, हम एक बार इसको सारा रब करके फिर से सो गाइस, इसको हम 5 मिनट्स और ऐसे ही रखेंगे ताकि अच्छे से ब्लीच हो जाए। गाइस, 15 मिनट्स हो गए हैं हमें ब्लीच को अप्लाई करें, अब हम इसे क्लीन करेंगे। ये मैंने कॉटन को ले लिया है और पानी के अंदर डिप करके इसको स्क्वीज कर लिया है। इसके बाद हम ये सारा साफ करेंगे ब्लीच। और अच्छे से साफ करेंगे सारा फेस। सो
सो गाइस ब्लीच हमारी कंप्लीट हो चुकी है. जैसे कि आपने देखा इनका फेस कितना डल था और अब कितना ग्लोइश हो गया है. सो गाइस आफ्टर ब्लीच मैं आपको ये गाइडलाइंस देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप धूप में बिल्कुल ना जाएं ब्लीच करने के 2 आवर्स तक मैक्सिमम. और सेकंड आपको फेस वॉश और सोप यूज़ नहीं करना चाहिए ब्लीच करने के बाद. और थर्ड ये है कि आप सबसे पहले ब्लीच करें उसके बाद थ्रेडिंग कराएं. थ्रेडिंग करने के बाद साथ ही ब्लीच करेंगे तो उससे हमारे रेडनेस हो सकती है, पैचेस आ सकते हैं फेस पे रेडनेस. सो गाइज आप आफ्टर ब्लीच ही थ्रेडिंग करिए. ये मेरे 2-3 गाइडलाइंस थे, आप इसको ज़रूर फॉलो करिए. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय गाइज़.